अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ स्टफ़ बन की रेसिपी शेयर करूंगी। बर्गर और सैंडविच की रेसिपी तो हर किसी को मालूम है, लेकिन स्टफ़ बन्स की रेसिपी बहुत ही कम लोग जानते होंगे। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हमारी ये रेसिपी बनने वाली है। और इसकी फिलिंग के लिए हम ये चंद सब्ज़ियाँ लेंगे और साथ में थोड़ा सा चिकन भी लेंगे। चिकन को हमने बॉयल कर लिया है, अब इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। यह हमने थोड़ा सा ऑयल लेके इसमें आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसके बाद हरा प्याज डाल दिया है। अब इसमें चिकन शामिल करेंगे और साथ में ये थोड़े से मसाले डालेंगे, जिसमें साबुत जीरा, धनिया पाउडर, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला शामिल है। एक टेबल स्पून केचप डाल दिया है। और एक टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून हॉट सॉस डाल देंगे। इसके बाद बंद गोभी शामिल करेंगे। गोभी डाल के एक आध मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे और 2-3 मिनट में ही बन के लिए स्टफिंग हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और ये वाले बंस लेंगे। तो जब तक मिक्सर हमारा ठंडा हो रहा है, उस वक्त तक हम बंस को अंदर से खाली कर देते हैं। पहले इसके ऊपर एक गोल सा कट लगा देंगे, कुछ इस तरीके से। और अब इसको छुरी की मदद से अंदर से पूरा खाली कर देंगे। सारे बंस को हमने अंदर से खाली कर दिया है। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे और इस वाले चूरे को हमने ज़ाया नहीं करना है, हम इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। यह हमने मोज़रेला चीज़ लिया है। पहले इसके अंदर एक टेबल स्पून मोज़रेला चीज़ रख देंगे और इसके बाद जो स्टफिंग हमने तैयार की है, एक टेबल स्पून ये रख देंगे। अब दोबारा इसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ रख देंगे। अब इसको मज़ीद लुक देने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा सा टमाटर और थोड़े से कॉर्न रख देंगे और बहुत थोड़ा सा ऑरिगेनो पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। बाकी बंस को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारे बंस की अच्छे से फिलिंग कर दी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा के 8-10 मिनट के लिए ओवन में बेक करेंगे। ओवन का ऊपर वाला रॉड ही हमने इसके ऊपर ऑन करना है। 8 मिनट में ही बंस हमारे अच्छे से बेक हो चुके हैं। बटर लगाने से ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही कम ऑयल में बनने वाली ये रेसिपी है, इसलिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।